पिछले पौने तीन सालों से हरियाणा सरकार ने काम किया है। आज हम जन विश्वास करता है सरकार के गठबंधन पर कि हमने जितनी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करी है, जितने एक्शन लिए हैं, चाहे वो करप्ट लोगों के अगेंस्ट हो, उसका लाभ आम जनता को इनडायरेक्टली डायरेक्टली मिला। सर, नगर निगम चुनावों और पंचायत चुनावों की तैयारी मानी जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से आपने रफ्तार पकड़ी है। नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट इलेक्शन कमीशन को दे दी है कि 30 सितंबर से पहले पहले प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाए। मैं उम्मीद रखता हूँ कि एंड ऑफ अगस्त से लेके और मिड सितंबर तक किसी भी दिन पंचायत चुनाव हरियाणा प्रदेश में हो सके। मेरे को नहीं पता, ना मैं पता करना चाहता हूँ। आपने नगर निगम में भ्रष्टाचार की वसूली की बात की है, उसमें बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, आप चिंता ना करो। जो भी लोग इन्वॉल्व रहे मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड में, उन सबको हमने पहले ही क्वेश्चनिंग के लिए बुलाने का काम किया है, और आगे भी जैसे जैसे जो जो सिग्नेटरीज थे जिनने एलिवेटेड बिल्स बनाए, एलिवेटेड बिल्स को मंजूरियां दी और जिनके ऑफिशियल टाइम में ये हुआ, उनसे ही रिकवरी करी जाएगी। अभी पीछे हमारे करनाल या कुरुक्षेत्र की बात है, जहां पर एक अधिकारी ने 4 करोड़ रुपया ओवर बिलिंग कर रखी, हमने उसकी पेंशन तक अटैच कर दी कि 100% पेंशन जब तक 4 करोड़ की रिकवरी नहीं होगी वो देने का काम करेगा सरकार को। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी, अभी तो ये इन जॉब है, उनको तो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, वो रिटायर्ड अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे, उनसे भी रिकवरी। सितंबर अक्टूबर में ग्रेप सिस्टम लागू हो जाएगा और पूरी इंडस्ट्री गुहार लगा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने परसों बैठक रखी है इंडस्ट्री के भी, पॉल्यूशन के लोगों के साथ भी, एक बार उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि जो समय केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है बायोमास और पीएनजी के ऊपर ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में रेडली अवेलेबल नहीं है, और जिस तरह के जेनसेट्स की मांग है वो आते हैं विदेश से, और अगर इम्पोर्ट नहीं हो पाएंगे तो फिर इंडस्ट्री बंद रहेगी। गंभीरता के साथ इस पर प्रदेश सरकार अपना विचार भी कर रही है, और अगर हमें केंद्र से बात भी करनी पड़ी रिलैक्सेशन की, तो मैं पर्सनली जाके कर रहा हूँ। सर, 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 आप लगातार से अपराध बढ़ रहा है, लगातार हत्याएं हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे जो ये व्यवस्था जो भी घटना विवाद के अंदर हुई, उसके अंदर एक व्यक्ति पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, 3 और गिरफ्तार कर लिए गए, और प्रदेश में कहीं भी कोई घटनाक्रम हुआ है तो क्रिमिनल्स को बख्शा नहीं गया है, सरकार ने तुरंत पकड़ा है। मगर एज सोसाइटी है, हमारी जिम्मेवारी भी बनती है कि हम मिलकर जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विजिलेंसी है, उसको भी निभाने का काम करें। बहुत से ऐसे केसेस तो नॉन रिपोर्टिंग के कारण ट्रेस नहीं होते, जहाँ व्यक्ति जो क्राइम को होते हुए देखता है वो प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं कर पाते। अब तो डायल 112 प्रदेश सरकार ने लागू किया है, जिसके अंदर सिंगल सेंटर हमारे द्वारा बनाया गया है जो 24/7 रन होता है, और कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी पाई जाती है तो पहले लीड टाइम 20 मिनट का था, अब तो उसको 17 मिनट से भी हमने कम किया है, कि हमारा पुलिस व्हीकल वहाँ पर इमिडिएटली पहुँचता भी है और उन लोगों को ट्रेस आउट करने का फिर काम। सर, जिस तरीके से नगर निगम चुनाव और पंचायत चुनाव की आप बात कर रहे हैं, तो क्या जॉइंट होकर के पार्टी, दोनों पार्टी एक साथ लड़ेगी या फिर अलग अलग? जिस तरीके से यहाँ पंचायत चुनाव की बात है, अभी हमारे संगठन ने निर्णय नहीं लिया कि हम सिंबल पर लड़ेंगे या विदाउट सिंबल लड़ेंगे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी पीएसी के अंदर जैसे ही ये फैसला लेंगे उसके बाद उसकी तैयारी करी जाएगी, मगर जहाँ पर निगम के चुनाव की बात है, हम पहले भी निगम का चुनाव सिंबल पर लड़े हैं, आगे भी। लेकिन ऐसी